नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बात करेंगे टनकपुर की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार अपनी विधानसभा चंपावत के टनकपुर नगर पहुंचे थे और इस दौरान मौके पर मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद थी। बता दें कि मुख्यमंत्री कार द्वारा टनकपुर के श्री बांके बिहारी खाटू श्याम मंदिर पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम खाटू श्याम बाबा के मंदिर में माथा टेका और इस दौरान प्रदेश की खुशहाली की कामना की। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने टनकपुर से राजस्थान के श्री खाटू श्याम मंदिर यात्रा के लिए बस सेवा का पूर्ण विधि विधान से पूजा पाठ कर शुभारंभ कराया। इसके बाद से मुख्यमंत्री टनकपुर में आयोजित हो रहे आजीविका सरस मेला स्थल पर पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने फीता काट कर और दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने बता दें कि ऋषि कुल आयुर्वेद महाविद्यालय के चल रही आयुर्वेद पशु चिकित्सा सेमिनार में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी को काले झंडे दिखाए जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बता दें कि यूथ कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड, भर्ती घोटाले और साथ ही बेरोजगार संघ के युवाओं पर चलाई जा रही लाठियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे जा रही थी, लेकिन प्रशासन द्वारा पहले ही उन्हें रोक दिया गया। कार्यकर्ताओं नहीं माने पर पुलिस ने सभी पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया। विदेश में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी सरकार लगातार राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अब सपा विधायक इकबाल महमूद ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा है कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जो नई है। प्रधानमंत्री ने मन की बात करते करते पूरे देश को बेच दिया है, लेकिन आम जनता के मन की बात उन्होंने आज तक नहीं सुनी। देश के मुद्दों पर प्रधानमंत्री का खामोश रहना देश के लिए अच्छा नहीं है। गौरतलब है कि राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान के बाद से बीजेपी सरकार लगातार राहुल गांधी को माफी मांगने की बात कह रही है। वही संभल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद बीजेपी को जमकर घेरते नजर आए। एक अपोजिशन और पोजिशनिंग में संबंध जरूरी है। ये हमारे अपोजिशन और पोजिशन की जनता देख रही है कौन सही है कौन गलत है, ये वोट दे के हटाना बिठाना उसका काम है, मगर हमें तो अपने देश की चिंता करनी चाहिए। देश के अंदर क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, इसको देखना चाहिए। कहाँ पहुंच गए चीन की फौजें, कहाँ आ गई। कुछ लोगों का इल्जाम है कि चीन की फौजों ने हमारे धरती पर कब्जा भी कर लिया कुछ जगहों पर। अगर नहीं है तो क्यों नहीं एक डेपुटेशन बनाते ऑल पार्टीज का पार्लियामेंट के एमपीज का और ले जाएं बॉर्डर वहां पर दिखाएं सबको ले जाकर। वायाटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। दरअसल दिल्ली कानपुर हाईवे पर दिल्ली से मैनपुरी जा रही तेज रफ्तार कैंटर बता दें कि रेलिंग तोड़ते हुए फ्लाईओवर से पुल से नीचे जा गिरी। इस दौरान 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है, 2 घायल बताए जा रहे हैं और साथ ही चालक को नींद की झपकी लगी थी, इसके कारण ही ये घटना हुई है, जिसके बाद से कोतवाली पीलुआ क्षेत्र स्थित हाईवे पर फ्लाईओवर पर यह हादसा घटित हुआ और इस दौरान पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। उन्नाव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल यहां एक युवक ने अपनी पत्नी और छोटी बेटी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। आपको बता दें कि युवक ने खुद को फांसी भी लगा ली। उसके बाद हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के पीलीभीत जनपद में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति पीलीभीत के संयोजक आशीष कौशल के जानकारी देते हुए बताया कि ऊर्जा मंत्री के साथ हुई समझौते को लागू करते हुए और सार्थक वार्ता के बाद 17 मार्च को रात 10 बजे बिजली कर्मचारियों के 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति पीलीभीत में समय से पूर्ण वापस ले लिया गया है। ऊर्जा मंत्री ने 3 दिसंबर को और समझौते और हड़ताल के दौरान कर्मचारियों और अधिकारियों पर हुई कार्रवाई को वापस लेते हुए ऊर्जा निगमों के चेयरमैन को निर्देश जारी कर दिए हैं।
हरिद्वार के नवोदय नगर बता दें कि वासियों ने पेयजल व्यवस्था को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन और शिवलिंग नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। नगर वासियों ने आरोप लगाया है कि जनवरी 2020 में हरिद्वार जिलाधिकारी कार्यालय से लिखित आदेश भी हो चुका है कि नवोदय नगर की पेयजल व्यवस्था जल संसाधन अपने अधीन ले, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष जनता को गुमराह कर रहे हैं और आज तक नवोदय नगर की पेयजल व्यवस्था जल संस्था ने हैंड ओवर नहीं किया है और जिससे नवोदय नगर में पेयजल में भारी संकट है। वही ट्यूबवेल की मोटर जलने के कारण पानी की समस्या बनी हुई है। लोग टैंकर मंगवाकर अपना गुजारा करते नजर आ रहे हैं। इस अवसर पर नवोदय नगर के व्यापार मंडल कोषाध्यक्ष दिनेश पांडे ने कहा है कि उत्तराखंड में बता दें कि अफसरशाही हावी है। इतना जीता जागता उदाहरण जब जनवरी 2020 में हरिद्वार जिलाधिकारी कार्यालय से आदेश हो चुका है तो पेयजल व्यवस्था को लेकर, जिससे शिवलिंग नगर पालिका कार्यालय में भी शामिल है, जो फिर भी आज तक व्यवस्था क्यों नहीं की गई है। गई या नहीं गई, लेकिन जो पत्र है जो लिखा हुआ है उसमें कि भाई हम इसे इन्हें सौंप रहे हैं, लेकिन वो सौंपी नहीं गई है। अगर सौंपी गई होती तो ये दिन हमें आज देखने नहीं पड़ते और ऐसी समस्या पैदा नहीं होती और हमें जो है सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था मिलती। आपका कहने का मतलब है कि उत्तराखंड में अफसरशाही हावी है। बिल्कुल अफसरशाही हावी है। और मेरे सहयोगी इंतजार रजा हरिद्वार से मेरे साथ जुड़ गए हैं। इंतजार रजा, जिस तरीके से तस्वीर हरिद्वार की हम देख रहे हैं, लगातार प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पेयजल की समस्या उनकी जस की तस बनी हुई है, क्या कुछ मामला है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो मामला है ये रोशनाबाद के नवनगर क्षेत्र का मामला है, जहां पर जो लोग हैं उन्होंने प्रशासन और नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन यहां पर किया है और अपनी जो मांगे हैं जल को लेकर, पानी को लेकर जो मांगे उनको लेकर ये विरोध प्रदर्शन यहां पर किया गया है। क्योंकि लोगों का यहां पर कहना है कि जब से नवोदय नगर का यहां पर निर्माण होना शुरू हुआ है, तब से अब तक यहां जो जल पानी को लेकर जो समस्या है वो जस की तस बनी है और प्रशासन या फिर नगर पालिका अध्यक्ष और को ध्यान नहीं दे रहे हैं और उसी को लेकर जो नवोदय नगर के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है। जी इंतजार रजा, लोगों का ये भी कहना है कि 2020 जनवरी 2020 से ये मामला वे उठाते आए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नगर पालिका के अध्यक्ष से आपकी बातचीत हुई है क्या? उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे थे और उनमें जो दिनेश पांडे हैं कोषाध्यक्ष नवोदय नगर व्यापार मंडल के, उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि 2020 में जिलाधिकारी कार्यालय से जो पेयजल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए आदेश भी यहाँ पर जारी किया जा चुका है, लेकिन जो नगर पालिका अध्यक्ष है वो इस जो व्यवस्था है इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और लगातार लोगों को गुमराह कर रहे हैं और झूठे वादे करने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस तरह के जो आरोप है वो नगर पालिका अध्यक्ष पर यहाँ लगते दिखाई दे रहे हैं। इंतजार रजा, इस मामले को लेकर क्या आपकी लोगों से और भी बातचीत हुई है? उनका क्या कहना है? क्या जिस तरीके से वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं, क्या किसी अधिकारी ने अब तक कोई आश्वासन नहीं दिया है कि कब तक ये समस्या का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि नगर पालिका के चुनाव भी आने वाले हैं, तो जिसको लेकर जो लोग हैं वो उन्होंने कमर यहाँ पर कस ली है कि जब तक पानी की जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त नहीं की जाती है तो आने वाले चुनाव नगर पालिका चुनाव का भी यहाँ पर जो विरोध यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस तरीके से लोगों ने हर बार लोग अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं लेकर के ताकि उनकी समस्याओं को दूर कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं जो नवोदय नगर के लोग हैं साफ तौर पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोग पानी के टैंकर मंगाकर यहाँ पर अपनी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनको यहाँ पर पूरा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या फिर प्रशासन या फिर नगर पालिका अध्यक्ष की हम बात कर लें, कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने अन्य जो जिलाधिकारी की हम बात कर लें या फिर जल संस्थान की हम बात कर लें, सभी को उन्होंने लिखित पत्र के माध्यम से यहाँ की समस्याओं को यहाँ से लोग अधिकारी को यहाँ पर बताया ताकि जल्द से जल्द की समस्या को यहाँ पर दूर किया जा सके। जी इंतजार रजा, की क्या इस गाँव में हैंडपंप की भी व्यवस्था नहीं है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो नवोदय नगर है वो नदी किनारे यहाँ पर बसा और पथरीली यहाँ पर जमीन है, तो अधिकतर जो हैंडपंप है वो यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो जो ट्यूबवेल है जो बोरवेल यहाँ पर होता है काफी गहराई का यहाँ
बोरवेल करना पड़ा, जिसका जो खर्च है काफी बड़ा खर्च यहाँ पर आता है, क्योंकि यहाँ पर टोटली जो भी बोरवेल यहाँ पर लगाए जाते हैं उनका जो पाइप है वो यहाँ पर लोहे का लगाया जाता है, क्योंकि अन्य जो हल्की चीजें हैं वो यहाँ पर काम नहीं करते, जिसको लेकर जो आम आदमी है आम आदमी अपनी जरूरत के हिसाब से हर एक जगह हैंडपंप या फिर नलकूप नहीं लगा सकता, इसलिए यहाँ पर जो पानी की जो व्यवस्था है वो सरकारी सुविधाओं पर यहाँ पर निर्भर रहती है, जिसको लेकर लोग यहाँ पर परेशान है, क्योंकि खर्च की जो खर्च सीमा है उससे बाहर यहाँ की पानी की व्यवस्थाएं पहुंच जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने लगातार पत्राचार भी अधिकारी को किया है। 2020 के आदेश की लोग यहाँ बात करते नजर आ रहे हैं कि जिलाधिकारी कार्यालय से 2020 में ही नगर पालिका अध्यक्ष या फिर जल संस्थान के तो यहाँ पर पानी की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए पत्र यहाँ से जारी हुआ था, लेकिन उस पत्र का आज तक कोई पता नहीं कि कहाँ वो पत्र है और किस कंडीशन में है। आखिर जो जनप्रतिनिधि है वो जिन समस्याओं से दूर क्यों भागते हैं, अपने आप में बड़ा सवाल है, और आने वाले चुनाव में इसका असर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल इंतजार, बिल्कुल आने वाले चुनाव में ये लोग जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये एक चुनाव में अब इनकी तस्वीर देखने को मिलेगी कि किस तरीके से ये अब चुनाव का भी विरोध करते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार में लगातार जो लोग हैं वे प्रदर्शन कर रहे हैं पेयजल व्यवस्था को लेकर, और उनकी ये लगातार मांग है कि 2020 से इस मांग को वो उठाते आए हैं, लेकिन अब तक पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना ही अधिकारियों की तरफ से कोई आश्वासन इनको दिया जाता है, और ना ही अब तक पेयजल की कोई व्यवस्था की जाती है। हरिद्वार के पौष इलाके रानीपुर मोड़ पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। रानीपुर मोड़, बता दें कि रानीपुर मोड़ स्थित नाले से युवक का ये शव बरामद किया गया है। मृतक युवक का नाम आनंदमय गोदियाल बताया जा रहा है, वही पौड़ी जिले का ये निवासी है। दो दिन से ये युवक लापता था, जिसके बाद से ज्वालापुर कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वहीं गौरतलब है कि नगर निगम कर्मचारी आज रानीपुर मोड़ के पास नाले की सफाई कर रहे थे, सफाई के दौरान नाले में ही इस युवक का शव बरामद किया गया, जिसके बाद से पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने इस शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मोड़ के पास एक व्यक्ति का अज्ञात शव नाली में बरामद हुआ। कोतवाली ज्वालापुर पुलिस द्वारा उस शव को मोर्चरी पहुंचाया गया। 16 तारीख को एक व्यक्ति की मिसिंग लिखी गई थी और इस शव की जो पहचान है वो हल्की फुल्की उससे मिलती थी, इसीलिए उस व्यक्ति के परिजनों को बुलाया गया। परिजनों द्वारा उस शव को तस्दीक करा दिया गया है तथा वह शव पौड़ी निवासी आनंदमय गोदियाल जी का होना पाया गया है। इसमें अब हम लोग पोस्टमार्टम तथा इसके जो पंचायतनामा है उसकी कार्रवाई अमल में। बता दें कि ये जो युवक है ये दो दिन से लापता थे, जिसके बाद से अब इसका शव नाली से बरामद किया गया है और पुलिस इस मामले की लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। और साथ ही बता दें आपको कि ये जो मामला हरिद्वार से सामने आया है, जहां पर एक युवक के शव मिलने से ही सनसनी फैल गई। पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। युवक का नाम और कहां का ये निवासी है ये पता चल गया है, परिजनों को इस मामले की जानकारी दे दी गई है। फिलहाल पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में लगातार जुटी हुई है। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस देश भर में तेजी से पैर पसार रहा है। हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग इसके लिए सतर्क हो गया है। CMO मनीष दत्त ने सभी सरकारी अस्पतालों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। जिले के सभी बड़े सरकारी अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। वहीं मेला अस्पताल और रुड़की के, बता दें कि SGM अस्पताल में भी वायरस की जाँच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। हालांकि फिलहाल जिले में कोई भी इन्फ्लुएंजा का एक्टिव केस नहीं मिला है। वहीं CMO ने सभी लोगों से अपील की है और कहा है कि वे लक्षण दिखाई देते ही इसे नजरअंदाज ना करें, तुरंत अस्पताल आकर डॉक्टर से जांच पड़ताल करवाएं। इस समय वायरल सीजन वैसे भी चल रहा है, जो जब भी मौसम चेंज होता है वायरल का सीजन आता ही है। अभी ये नया स्ट्रेन आया है स्वाइन फ्लू में H3N2 करके, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल वायरल है वैसे ही है कि थोड़ा इसका इन्फेक्शियसनेस ज़्यादा है, ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अदरवाइज अभी हमारे यहाँ कोई एक्टिव केस कोई नहीं है, लेकिन सबको हमने ये इंस्ट्रक्ट किया है, अपने हॉस्पिटल्स के लिए भी करा है, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कहा है रेडी रहने के लिए। सबको जितनी गाइडलाइंस हैं वो दे दी गई हैं, एडवाइजरी कर दी है जारी कि अगर कोई इस तरह का मरीज आता है जो आपको लग रहा है सीरियस है, उसको तेज़ बुखार है, सांस में समस्या है,
तब आप इसका फिजिशियन जब भी एडवाइस अगर करेंगे तो उनका टेस्ट होना है और उन्हें आइसोलेशन में एडमिट करना है। और हरिद्वार में बता दें कि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर काफ़ी सतर्कता बढ़ती जा रही है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और अस्पतालों में भी तमाम तरीके की व्यवस्था की जा रही है। जिस तरीके से कोविड के समय जो स्थिति हमें देखने को मिली थी उसको देखते हुए अब H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर इसकी पैर पसारते हुए तस्वीर को देकर लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग काफ़ी सतर्क नजर आ रहा है। और साथ ही बता दें आपको कि हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग इसके लिए सतर्क होते हुए तमाम तरीके की कार्रवाई करते हुए और साथ ही अस्पतालों में सावधानी बरतने के निर्देश देते हुए नजर आया है और साथ ही लोगों से भी अपील करते हुए नजर आए कि अगर आपको इसके लक्षण दिखते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि जिस तरीके से इस वायरस को पैर पसारते हुए देखा जा रहा है इसको लेकर एक लोगों में एक डर है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी अब पूरी तरीके से अलर्ट नज़र आ रही है। वो अपने तरफ से कोई भी इसको लेकर कार्रवाई करने से और इसको लेकर अस्पतालों में इंतज़ाम करने से पीछे हटती हुई नज़र नहीं आ रही है। और हरदोई में बता दें कि संदिग्ध परिस्थिति में आग लगने का मामला सामने आया है। वहीं आग लगने से मां बेटी पूरी तरीके से झुलस गई है जिसके बाद बेटी की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से झुलसे महिला को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। अब तक आग क्यों लगी है ये साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। झांसी के बेहतर घाट पर एक बता दें कि सी कंस्ट्रक्टर द्वारा बालू का अवैध खनन का काम धड़ल्ले से चल रहा है और बिना नंबर की गाड़ियों में ओवरलोडिंग, ट्रकों की कतार लगी भी नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि अब देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर कब तक कार्रवाई की जाती है और कब जाकर झांसी में ये बालू के अवैध खनन को रोका जाता है। और बता दें कि झांसी में अक्सर हमने आपको दिखाया अक्सर देखने को मिला है और झांसी में हमेशा आपको हमने दिखाया है कि इस तरीके से अवैध खनन का काम लगातार जारी रहता है, लेकिन प्रशासन इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करती हुई नजर आती है। और यह तस्वीर आपको एक बार फिर से हम झांसी की दिखा रहे हैं जहां पर अवैध खनन का कार्य लगातार जारी है, बिना नंबर के ट्रक लगे हुए हैं और खुलेआम यह अवैध खनन चल रहा है, लेकिन इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बता दें आपको कि झांसी के बेहतर घाट पर सी कंस्ट्रक्शन द्वारा बालू का यह अवैध खनन का काम धड़ल्ले से चल रहा है। बिना नंबर की गाड़ियां वहां पर देखने को मिली है, ओवरलोडिंग करती हुई गाड़ियां देखने को मिली है और साथ ही इस मामले को लेकर प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है और इस दौरान इस अवैध खनन से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि झांसी में पहले भी ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आई है जहां पर बालू के अवैध खनन का काम लगातार जारी रहता है, लेकिन प्रशासन जो है इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, आंख मूंदे हुए बैठी नजर आती है। बता दें कि इस मामले को लेकर अब अधिकारी और साथ ही प्रशासन कब तक कार्रवाई करती है और झांसी में अवैध खनन पर कब तक रोक लग पाएगी, यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अंबेडकर पार्क सेवा समिति के बता दें कि रजिस्ट्रेशन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने की रूपरेखा को लेकर बैठक आयोजन किया गया जिसमें समिति के कई सदस्यों ने प्रतिभाग किया है। अंबेडकर पार्क सेवा समिति के अध्यक्ष रमेश कुमार ने कहा है कि समिति का बता दें कि रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है। आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। उन्होंने यहाँ भी कहा है कि उनकी समिति के माध्यम से गरीब और शोषित लोगों की हमेशा मदद की जाती है, आगे भी की जाएगी। उनकी समिति के द्वारा हर वर्ष बाबा साहेब की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस वर्ष भी पूरी समिति द्वारा बाबा साहेब की जयंती भव्य रूप से दिया जा रहा है। उन्होंने समिति के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया है और साथ ही समिति के लोगों से उन्हें समिति के रजिस्ट्रेशन पर मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। इससे पहले जो हमारे जो अंबेडकर समिति ने लगातार संघर्ष करने के बाद जो हमारे पूर्व विधायक थे नवीनचंद दुमका जी, उनने यहाँ पर चार दीवारी की और यहाँ पर टीन सेट का आधा काम रहा है और गेट लगाना है तो ये काम रहा है, बाकी यहाँ पर चार दीवारी और तो हो गई है, लेकिन जो टीन सेट लगना है और एक बड़ा टीन सेट बनना है यहाँ पर और गेट लगना है, कुछ भवन जर्जर स्थिति में एक भवन उसकी मरम्मत होनी है, इसको लेकर हम विधायक जी से अनुरोध करेंगे, उनके पास जाएंगे और विभिन्न जो
भी लोग जागरूक लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं जो पार्क के लिए फंड करेंगे और सहयोग करेंगे, तो इस काम को फिर आगे बढ़ाया जाएगा। खाद्य विभाग और पुलिस टीम के द्वारा छापेमारी के दौरान यहां पर 1300 लीटर तेल बरामद की गई है। बता दें आपको कि ये मामला मंगलौर का है, जहां पर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खाद्य विभाग को सूचना मिली थी कि मंगलौर के थिथौला गांव में स्थित घेर में अवैध रूप से तेल का भंडारण किया गया है, और वहीं खाद्य विभाग और पुलिस टीम द्वारा बताए गए स्थान पर छापा मारकर अवैध तेल को बरामद कर लिया गया है और दो लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि आरोपी चालक फरार बताया जा रहा है। वहीं मौके पर एक टैंकर, चार ड्रम और तेल चोरी करने वाले उपकरण भी बरामद कर लिए गए हैं। ग्राम रिदोला में हम लोगों को सूचना मिली कि जो है यहाँ अवैध रूप से मिट्टी के तेल या डीजल का जो है व्यापार किया जा रहा है, तो उसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने 19 तारीख को एक टीम बनाई सप्लाई डिपार्टमेंट की, और उसी के तहत जो है हमने जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन लेके पुलिस बल के साथ हम मौके पे गए और वहाँ पे हमने चार ड्रम मिट्टी के तेल पाए, और टैंकर में जब हमने नाप करवाई तो उसमें जो है 500 लीटर के लगभग तेल की मात्रा पाई गई, तो बाकी कार्रवाई और जांच आगे गतिमान है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ बल इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।